पीएम मोदी की भतीजी के साथ झपटमारी मामला सामने आया है। दिल्ली में सरेआम बदमाश पीएम मोदी की भतीजी का पर्स ले भागे। दरअसल पर्स में कैश के साथ साथ कई सारे काम के दस्तावेज भी थे। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि पीएम मोदी की भाई की बेटी दमयंती बेन मोदी आज सुबह अमृतसर से दिल्ली लौटी है। उनका कमरा सिविल लाइंस इलाके के गुजराती समाज भवन में बुक किया हुआ था। दरअसल पुरानी दिल्ली से ऑटो से वो अपने परिवार के साथ गुजराती समाज भवन पहुंची। गेट पर पहुंचकर वो ऑटो से उतर ही रही थी कि स्कूटी सवार दो बदमाश युवक उनका पर्स छीनकर भाग गए। दमयंती बेन ने बताया कि उनके पर्स में करीब 56,000 रुपए, दो मोबाइल और तमाम अहम दस्तावेज थे। उन्होंने बताया कि उन्हें शाम को अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़नी है, लेकिन उनके दस्तावेज गायब हो गए हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सिविल लाइंस इलाके की बात की जाए तो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में से एक है। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का घर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी महज थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसे में दिन के उजाले में इस तरह की वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.